नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेलो किसान कार्यक्रम एक फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ मेहमानों से विषय से जुड़ी हुई चर्चा तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही आप भी इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि आप इस कार्यक्रम में सीधे तौर पर अपने सवालों के साथ शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, आप हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, ईमेल या फिर व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। और हमारा हर दिन अलग अलग विषय रहता है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि गुरुवार के दिन खास तौर पर पशुपालन से जुड़े हुए अहम विषय हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आइए आपको सबसे पहले बता दें आज किन विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में आज जिन विषयों पर हम बातचीत करेंगे वो है पशुपालन में भारत सरकार की योजनाएं और इसके साथ ही दुधारू पशुओं का प्रबंधन। इन विषयों पर इस कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस बीच आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। और टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान इस बात का ध्यान जरूर रखें कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज़ बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें, इससे बातचीत में रुकावट नहीं आती है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, नोट कर ले हमारा व्हाट्सएप नंबर 8800-52-0717। अपने सवाल के साथ साथ नाम और स्थान भी जरूर लिखें। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। जी हाँ, तो किसी भी माध्यम से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर देवलीना मित्रा हैं, आप सहायक आयुक्त हैं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही डॉक्टर तरुण कुमार वरुण भी इस वक्त हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, वेटनरी सर्जन है पशुपालन विभाग नू हरियाणा से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो जैसा कि हमारा आज का विषय है, डॉक्टर देवलीना आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो पशुपालन का क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और किसान जो है इससे जुड़े हुए हैं और जो पशुपालक होते हैं उनके सामने तरह तरह की समस्याएं चुनौतियां होती है, तो इन्हें देखते हुए सरकार की तरफ से कौन से महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो इस वक्त चलाई जा रही हैं। जैसे भारत सरकार ने जातीय पशुधन मिशन के अंतर्गत एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लाए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। कोई भी पशुपालन क्षेत्र में कोई भी नए उद्यमी हैं उनको इसमें काफ़ी सारे सब्सिडी दिया जाता है। इसके चार कंपोनेंट हैं, एक है रूरल पोल्ट्री बार्ड्स, जैसे हमारे देसी मुर्गी जो है छाबरो, कड़कनाथ, ग्रामप्रिया, बनराजा, इनके कोई अगर फार्म लगाना चाहता है उसके साथ हैचरी एंड इनक्यूबेटर, इसके लिए 25 लाख तक सब्सिडी उनको मिल सकता है। जो भी फार्म लगाने के कैपिटल कॉस्ट होता है उसके 50% तक उनको सब्सिडी के तौर पर कोई भी इंटरप्रेनर को मिल सकता है जी। और सेकंड जो कंपोनेंट है वो है हमारे छोटे रोमंती पशु के लिए, शीप गोट भेड़ बकरी के लिए कोई फार्म लगाए, अगर 500 एनिमल तक फार्म लगाए ब्रीडिंग फार्म, उसके लिए 50 लाख तक सब्सिडी मिलेगा। उससे छोटा 400 भी लगा सकते हैं, 400 के लिए 40 लाख, 300 पशु के लिए 30 लाख, 200 पशु के लिए 20 लाख, और 100 तक लगा सकते हो, 100 पशुओं के लिए 10 लाख तक सब्सिडी मिल सकता है। वैसे ही पिक के लिए भी है, उसमें भी 100 या 50 एनिमल के लिए लगा सकते हो और उसमें भी आपको सब्सिडी मिल जाएगा 30 लाख तक। और जो हमारे फोर्थ कंपोनेंट है इसका, ये है फॉर्डर प्रोसेसिंग के लिए, अर्थात चारा प्रक्रियाकरण, कोई साइलेज यूनिट बनाए, TMR यूनिट बनाए, टोटल मिक्स रेशन, फॉर्डर ब्लॉक यूनिट बनाए, इसके लिए भी 50% तक सब्सिडी मिल जाएगी। यानी कि पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास पर काफी जोर दिया जा रहा है क्योंकि बहुत से ऐसे पशुपालक हैं जो अतिरिक्त आमदनी इससे प्राप्त कर सकते हैं या फिर कुछ किसानों के लिए तो ये मुख्य आमदनी का स्रोत भी है, तो ऐसे में उद्यमिता विकास पर काफी जोर है। इसके अलावा और कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, पशुपालकों को उनसे क्या लाभ है, इस पर विस्तार से आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। पशुपालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने और इसे व्यापक बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है जिससे पशुपालक कम से कम नुकसान में अच्छा मुनाफा ले सके। सरकार की इन योजनाओं में पशुपालन में बेहतर तरीके अपनाने से लेकर उनका स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण युक्त आहार, आवास और नस्ल सुधार जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल है जिन्हें सशक्त बनाने के लिए सरकार की मुख्य योजनाएं हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन, पशुधन किसानों के लिए KCC,
राष्ट्रीय डेयरी विकास योजनाएं, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय पशुधन मिशन को साल 2014-15 के दौरान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य चारा, आहार और विकास संबंधी उप मिशन पशु चारा संसाधनों की कमी संबंधी समस्याओं का समाधान करना है। वहीं राष्ट्रीय गोकुल मिशन का सीधा उद्देश्य दुधारू पशुओं की स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। दिसंबर 2022 तक 4 करोड़ 20 लाख पशुओं को कवर किया गया है। NAIP के तहत 5 करोड़ 19 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए और इससे 2 करोड़ 78 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा पशुओं में होने वाली बीमारियों पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के तहत सितंबर 2019 में खुरपका और मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के लिए 13,343 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 5 वर्षों यानी 2024 तक के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत FMD के लिए गो पशु, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी का 100% और ब्रुसेलोसिस के लिए 4 से 8 महीने की आयु की बोवाइन मादा बच्चियों का 100% टीकाकरण किया जाना है। तो इस रिपोर्ट में पशुपालन से जुड़ी हुई मुख्य योजनाओं के बारे में आपने जाना। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर तरुण आपसे जानना चाहेंगे, जब इतने सारे पशुपालक पशुपालन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इसमें मुनाफा तभी हो सकता है जब पशु स्वास्थ्य अच्छा हो, उनका प्रबंधन अच्छे से करना बेहद ही ज़रूरी है, तो ऐसे में खासतौर पर अगर सबसे पहले शुरुआत इनके पोषण की व्यवस्था से की जाए तो क्या बताना चाहेंगे आप, किस तरह से पोषण की व्यवस्था का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है? जी देखिए, कृषि से जुड़े जितने भी अपने किसान भाई अधिकतम लघु एवं सीमांत वर्ग के हैं जी। तो जिनका मुख्य स्रोत, जो आय का जो मुख्य स्रोत है, वो पशुपालन ही है। तो इसमें क्या है कि पशुपालन का जो प्रबंधन है वो इस समय बहुत ही मुख्य रोल अदा करता है। जैसे कि अभी देखो जलवायु परिवर्तन जैसा चल रहा है, जब कभी सर्दी बरसात, तो हर मौसम में हमें पशुओं का प्रबंधन बहुत ही अच्छे से करना जरूरी है, ताकि किसानों की जो आय है वो बरकरार रह सके। दूसरी बात, जो पशु प्रबंधन के जो 4 महत्वपूर्ण जो पिलर हैं, जिन्हें स्तंभ बोलते हैं, 4 मेन जो स्तंभ हैं, वो है पशु पोषण प्रबंधन, पशु आवास प्रबंधन, पशुओं का स्वास्थ्य प्रबंधन और दूसरा पशुओं की जो नस्लें हैं उनका प्रबंधन। ये 4 स्तंभ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनके अच्छे प्रबंधन की वजह से हम लघु और सीमांत किसानों को एक लगातार आय का जरिया मुहैया करा सकते हैं। बिल्कुल, तो प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो इन 4 स्तंभों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। पोषण से शुरुआत होती है, जिसके बारे में विस्तार से जानेंगे, और बाकी भी प्रबंधन की प्रक्रिया के दौरान जो पशुपालक हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। बारिश के मौसम में पशुओं को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। इस मौसम में वातावरण में फैली नमी से रोगाणुओं का फैलना आसान हो जाता है, इसीलिए रोगों से बचाव के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पशु बाड़े का फर्श लगातार गीला रहने से जीवाणु पनपने लगते हैं और थनैला रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही बारिश में होने वाली घास पशुओं को अधिक मात्रा में ना दे, इससे दस्त लगने की आशंका रहती है, इसीलिए पशुओं को हरा व सूखा चारे का मिश्रण दे। वहीं बात करें नवजात पशुओं की, तो उन्हें भी विशेष देखभाल की जरूरत है। नवजात में हाइपोथर्मिया, निमोनिया और डायरिया जैसी बीमारियां होने का खतरा रहता है। यदि पशुओं में बीमारियों के लक्षण जैसे पशु के शरीर के तापमान में लगातार गिरावट आना, पशुओं का सुस्त हो जाना, चलने फिरने में परेशानी, चारा खाना बंद करना व जुगाली करना छोड़ देने जैसे लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही रोगों की रोकथाम के लिए रोगों के लक्षणों को पहचान कर समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। टीकाकरण के दौरान पशु का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, साथ ही गर्भ की अग्रिम अवस्था में पशु के टीकाकरण से बचना चाहिए। इस समय FMD, गलघोंटू व लंगड़ा बुखार के टीके लगवाएं। यदि BQ का टीका ना लगा हो तो जरूर लगवा लें।
जी हाँ, तो ये थी पशु प्रबंधन से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे पास कुछ सवाल आने शुरू हो गए हैं। व्हाट्सएप के जरिए एक सवाल भेजा है रोहित जी ने और उन्होंने ये पूछा है कि उनके पास साहिवाल नस्ल की गाय है और वो दूध का उत्पादन किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो डॉक्टर तरुण, आप इन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी देखिए, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो मेन जो प्रबंधन में हमें जो रखना है वो है पशु पोषण का प्रबंधन। पशु पोषण में देखो, पोषण में चार घटक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट और आपका मिनरल एंड विटामिन्स। तो इन चारों घटकों का अगर अच्छे से ध्यान रखा जाए, अच्छे से इसका प्रबंधन किया जाए, तो इससे हम जो पशु का जो जेनेटिक पोटेंशियल है, जितना वो दूध दे सकता है, जो उसकी आनुवंशिक जो उसका पोटेंशियल है, वो उसका हम पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात, इन सभी घटकों को एक बैलेंस तरीके से अगर इसको मैनेज किया जाए, जैसे कि जो हम ड्राई फॉडर है, जो ग्रीन फॉडर है, उसको हम जैसे पशु साहिवाल आपने बताई गाय हैं, तो उसका जो ड्राई मैटर इंटेक जो होगा वो 2.5 से 3% के का होना चाहिए टोटल। उस हिसाब से उसमें आपको हरा चारा बैलेंस करना है और उसके हिसाब से आपको सूखा चारा मैनेज करना है, उसमें कंसेंट्रेट भी आपको दाना मिश्रण जो है वो भी मिक्स करना है। और साथ ही साथ ध्यान रहे कि मिनरल मिक्सर और नमक देना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो मिनरल मिक्सर और विटामिन की बात, जो घटक की जो बात मैंने कही, वो जो मिनरल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो कि दूध उत्पादन के लिए बहुत, जैसे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दूध उत्पादन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो इस टाइप के जो मिनरल मिक्सर और विटामिन्स जो हैं, इनका जो बैलेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो रोहित जी, उम्मीद है कि इस जानकारी का लाभ आप ज़रूर उठाएंगे और इस सुझाव पर ज़रूर आप अमल करेंगे। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर देवलीना आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी ये योजना है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि पशुपालक इसका किस तरह से आप ले सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पशुधन मिशन में एक ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म के नाम पे एक स्कीम आई है। उसमें कोई भी देसी नस्ल के अच्छे गाय, जैसे साहिवाल हो गया, गिर हो गया, या कोई अच्छा भैंस जैसे मूरा, जाफराबादी वगैरह का, इसका अगर आप ब्रीडिंग फार्म लगाए, उसके लिए कम से कम आपको 200 एनिमल के ब्रीडिंग फार्म लगाना है, तो उसके लिए 2 करोड़ तक कैपिटल सब्सिडी मिल सकता है। जो आपके फार्म का खर्चा होगा, उसका कैपिटल कॉस्ट, मतलब उसके बाड़ा बनाना, जो एनिमल परचेज कॉस्ट, जो भी आप गाय भैंस खरीद रहे हैं उसका कॉस्ट, उसका इंश्योरेंस कॉस्ट, कोई भी छोटा मोटा जो भी आपको इक्विपमेंट लग रहा है, साइलेज मेकिंग मशीन लग रहा है, ये सारे चीज़ कैपिटल कॉस्ट में आ जाता है फार्म बनाने के जी। और उसका जो 50% आपको भारत सरकार सब्सिडी देगा अगर आप ऐसे फार्म लगाए तो, और वो सब्सिडी आपको सर्वाधिक 2 करोड़ मिल सकता है। जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है या हिली स्टेट्स है, जैसे हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उसमें इसका छोटा यूनिट भी लग सकता है, उसमें 50 गाय भैंस के लिए। आपकी जगह यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा, इस योजना के बारे में और भी विस्तार से जानेंगे। इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जैन जी गुजरात से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जैन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो हेलो जी, जैन जी बताइए। पशु प्रबंधन में सब्सिडी कैसे पा सकते हैं? आपने कहा था ना पी लाइन पर। जैन जी, आपकी आवाज हमें बहुत धीमी मिल रही है, कृपया थोड़ा सा तेज बोले और अपना सवाल कृपया दोहरा दीजिए। जी एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दीजिए। हेलो, चलिए जहाँ तक हम समझ पाए हैं अब तक, जैन जी ये जानना चाह रहे हैं कि पशुपालन के दौरान उनको सरकार से किस तरह की सब्सिडी मिल सकती है। तो डॉक्टर देवलीना क्या बताना चाहेंगे? हाँ, अभी तक हमने 2 स्कीम के बारे में बात किया, एक जातीय पशुधन मिशन के अंतर्गत EDP एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसमें छोटे पशु मुर्गी चारा के लिए है, उसके लिए उनको जाना पड़ेगा एक वेब, ये पूरा पूरी ऑनलाइन स्कीम है, इसके अप्लाई करने के लिए उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक वेबसाइट है www.udyamimitra.com, वहाँ जाके उनको अपना मोबाइल नंबर डालेंगे रजिस्टर करने के लिए, एक OTP आएगी जैसे हमारे कोविन वगैरह में आता था, तो उसमें OTP आ जाएगी, OTP अपना डाल देंगे, अंदर घुस जाएंगे, फॉर्म मिलेगा, फॉर्म में अपना नाम, परिचय, जो भी कहाँ उनको फॉर्म लगाना है, क्या लगाना है, बैंक से कितना ऋण लेंगे, सारा सब कुछ देना है, उसके आगे अपना आधार, पैन कार्ड वगैरह, ज़मीन के कागज़, ये सब अपलोड करना है और सबमिट करना है। तो उनको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उससे वो कहीं भी बैठे ट्रैक कर सकते हैं उनका एप्लीकेशन कहाँ है, वो उनके जो राज्य सरकार है उनके थ्रू बैंक में जाते हुए
फिर भारत सरकार के पास आ जाएगा और उनके खाते में सब्सिडी चली जाएगी। दो किस्तों में सब्सिडी जाएगी, एक बार जाएगी पहली जो उनको लोन मिलेगा उसके बाद, एक जाएगी उनके बाकी आधा जाएगा उनका प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद। और जो हम गाय भैंस के बारे में बात कर रहे हैं सब्सिडी स्कीम का, उसके लिए उनको NDDB के वेबसाइट में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल, NDDB उनको हैंड होल्ड करेंगे। जी जी, तो जैन जी विस्तार से जाना आपने कि किस तरह से आप सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको लाभ जरूर होगा। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा, मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मांगा लिया, KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा एक साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम पशुपालन से जुड़ी हुई भारत सरकार की योजनाओं के बारे में और दुधारू पशुओं के प्रबंधन के बारे में विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर के जरिए या ईमेल के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वक्त हमारे पास एक सवाल भेजा गया है व्हाट्सएप के जरिए। सवाल भेजा है श्री कृष्ण विट्ठल जी ने, जो कि सोलापुर महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं और वो अपने क्षेत्र के लिए एक अच्छी देसी गाय के बारे में जानना चाहते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर तरुण, आप उन्हें क्या सुझाव देंगे, कौन सी देसी गाय वो पाल सकते हैं? जी देखिए, जहाँ तक कि हमारे कॉलर देसी गाय के बारे में बात कर रहे हैं और हमारी जो सरकार है, भारत सरकार भी हमें और राज्य की अन्य सरकार भी हमें बहुत सारी स्कीम्स के तहत सब्सिडी भी दे रही है जिससे हम देसी गायों को का गायों के पालन को बढ़ावा मिल सके। तो मैं कॉलर को यही बोलना चाहूँगा कि जैसे कि देसी गायों में हमारे जो आती हैं गिर है, साहिवाल है, थारपारकर है और हरियाणा, जो ये मुख्य जो नस्लें हैं जो ये अच्छी नस्लों में, जो देसी अच्छी नस्लों में आती है, इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता भी अच्छी होती है और हर क्लाइमेट में हर मौसम के अनुसार ढलने की भी इनकी बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है। तो इन ब्रीड में से आप कोई एक ब्रीड अच्छे से चूज करके और एक प्रॉपर जो इनका ब्रीडिंग ट्रैक्ट होता है जहाँ से ये जिनका इनका ओरिजिन होता है या और जो जहाँ पे मेनली मिलती है वहाँ से इस ब्रीड को लेकर के आकर के आप फार्म को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। बिल्कुल, तो श्री कृष्ण जी जान लिया आपने कि आप कौन सी देसी नस्लों का चुनाव कर सकते हैं और इससे आपको लाभ भी होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार मैम, मेरा सवाल दुधारू पशुओं से जुड़ा हुआ था। जी हमारी एक भैंस है, वो मिनरल मिक्सचर नहीं खाती है मैम, उसको भूसे में मिला, शामिल मिला, किसी भी तरीके से नहीं खाती है। उसकी जो स्मेल आती है वो सुन के ही दूर रहती है और काफी आकार के अलग अलग तरीकों से दिया पर नहीं खा रही है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हालांकि ये अभी नहीं शुरू से ही आती थी तो उसको देते भी नहीं है। ठीक है, आइए जानते हैं कि क्या उपाय कर सकते हैं आप। जी डॉक्टर तरुण बताएं। देखिए ये वाली समस्या कुछ पशुओं में आमतौर पर देखी जा सकती है, तो मैं जो कॉलर हैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर पशु आपका मिनरल मिक्सचर नहीं खा रहा है या उसको स्मेल की वजह से कोई दिक्कत आ रही है तो ऐसे नेचुरल फ्लेवर्स आते हैं मार्केट में, उसके साथ मिलाकर आप मिनरल मिक्सचर के साथ दे सकते हैं ताकि इससे जो जो मिनरल मिक्सचर की जो एक्सेप्ट करने की जो एनिमल की है वो जो फ्लेवर जो आता है
है वो उसको अवॉइड कर सकें और नेचुरल फ्लेवर के थ्रू वो मिनरल मिक्सचर को अंदर ले। या दूसरा तरीका ये है कि आप उसको पानी के अंदर घोल करके कोई फ्लेवर उसके साथ ऐड करके, नेचुरल फ्लेवर कोई है वो ऐड करके आप पशु को डायरेक्ट उसको पिला भी सकते हैं। पिलाते वक्त ध्यान रहे कि भाई उसको अगर मुँह में अगर आप नाल दे रहे हैं तो उसकी जीभ को ना दबाएँ, जीभ को उसको चलते रहने ताकि उसको पशुओं को गटकने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और वो आराम से उस मिनरल मिक्सचर को एज ए लिक्विड फॉर्म ले सके। जी बिल्कुल। तो विपिन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस उपाय पर आप अमल करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। डॉक्टर देवलेना, यहाँ पर जैसे कि पशु पोषण की भी बात हो रही है तो आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि ये बहुत ही मुख्य मुद्दा है पशुपालकों के लिए, तो ऐसे में चाहे पशु चारे की उपलब्धता की बात हो या फिर इससे जुड़ा हुआ कोई और मसला, तो ऐसे में सरकार की किस तरह की योजनाएं इसके लिए चलाई जा रही हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। चारा उपलब्ध कराने के लिए दो योजनाएं हैं, एक तो है जिसमें काफ़ी सारे किसान को जो ब्रीडिंग सीड्स जो है ब्रीडर सीड उत्पन्न करने के लिए पैसा मिलता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा है जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की बार बार हम बात कर रहे हैं, उसके जो चौथा कंपोनेंट है उसमें कोई भी चारा प्रक्रियाकरण के लिए उनको कोई भी प्रोसेसिंग प्लांट, फॉडर प्रोसेसिंग प्लांट बनाने के लिए सब्सिडी दिया जाता है। साइलेज बना सकते हैं, जैसे कुछ मौसम में बरसात के मौसम में बहुत सारे चारा मिलता है जिसका ऐसे साइलेज बना के हम संरक्षण कर सकते हैं अपने पशु के लिए, या उसको हम बेच भी सकते हैं। अभी बेलर साइलेज आ गया है जिसमें साइलेज बन के बहुत कम जगह में बहुत सारा और बहुत कम पैसे में भी बहुत पुष्टिकर खाद्य मिल सकता है। TMR है, टोटल मिक्स्ड रेशन, जिसमें कुछ रफेज, कुछ कंसनट्रेट, मिनरल मिक्सचर सारा एक साथ मिल जाता है, तो उसमें रफेज और जो हरे चारा वो अलग अलग खिलाने, सूखे चारा हरे चारा अलग अलग खिलाने की ज़रूरत नहीं है, उसका प्लांट लगा सकते हैं। या फॉडर ब्लॉक मेकिंग, जो सूखे चारा मिलता है उसके साथ यूरिया, मोलासेस, मिनरल मिक्सचर ये सब मिला के ब्लॉक के तौर से बना सकते हैं, ये सारे यूनिट बना सकते हैं। बिल्कुल। तो विपिन जी और सभी जो हमारे पशुपालक हैं, मुझे उम्मीद है उन्हें जानकारी मिल गई है कि किस तरह से योजना का लाभ लेते हुए जो चारे की व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जा रही है और पशुपालक इसका लाभ ले सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को यहाँ पर शामिल करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी कई सवाल लगातार हमारे पास पहुँच रहे हैं। एक सवाल भेजा है अंकुर सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, और वो जानना चाहते हैं कि बरसात के मौसम में पशुओं के लिए किस तरह से चारे की व्यवस्था करें। तो डॉक्टर तरुण, आप क्या बताना चाहेंगे कि खासतौर पर बरसात के मौसम में किस तरह से आहार की व्यवस्था की जानी चाहिए? जी देखिए, बरसात के मौसम में नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जी जी। इस नमी की वजह से बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं हमारे, जैसे जो हम कंसेंट्रेट मिक्सचर, जो दाना मिश्रण हम बना के रखते हैं घरों में, उसमें क्या होता है फंगस ग्रो होनी शुरू हो जाती है नमी के कारण, और उस वजह से क्या होता है फंगस ऐसे टॉक्सिन छोड़ती हैं जो दूध के थ्रू भी आते हैं और वो दूध को इंसान भी पीते हैं तो इंसान में भी नेगेटिव इफेक्ट आते हैं और पशुओं में तो आते ही आते हैं, जिन्हें एफ्लाटॉक्सिन बोलते हैं, एफ्लाटॉक्सिकोसिस हो सकता है। तो इस समय में पशुपालक भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि आप टॉक्सिन बाइंडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, टॉक्सिन बाइंडर्स आप लेकर के उस दाने में ज़रूर मिलाएं। इसको मिलाने का जो रेट है वो 1 kg 1 ton पर, 1 ton दाने पर 1 kg मिला के इस प्रोपोर्शन में मिला करके आप टॉक्सिन बाइंडर जरूर रखें, जिससे कि दाने में जो टॉक्सिन्स हैं उसका इफेक्ट पशुओं पे और साथ साथ जो दूध हम इंसान पीते हैं उन इंसानों पे मतलब इफेक्ट ना आए। तो ये एक मुख्य जो सलाह है वो मैं पशुपालक को देना चाहूंगा। बिल्कुल। तो अंकुर जी, आपके एक सवाल का जवाब आपको मिल गया है, आपके और भी सवाल है जिनका जवाब हम आगे लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। संजीव कुमार पटेल जी इस वक्त जबलपुर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मेरे को 20-25 बकरी पालना है। बकरी पालना चाहते हैं, ठीक है जी। और मैं 4-5 बकरी करीबन 10 साल से पाल रहा हूँ देसी वाली, ठीक है। तो अभी 20-25 बढ़ बढ़ के आगे बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है जी। तो इसमें कितनी सहायता मिल जाएगी, कितनी सब्सिडी? जी जी, डॉक्टर देवलीना बताएं। देखिए, हमारे जो बकरी पालन के स्कीम है ना, जिसमें सब्सिडी मिलता है, उसमें आपको कम से कम 100 बकरी पालना है, 100 मादा और उसके साथ 10 नर बकरी। मगर ये स्कीम बस इंडिविजुअल के लिए नहीं, अगर आप कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, फार्मर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप हो, सेक्शन 8 कंपनीज, NGO वगैरह सबके लिए है। तो अगर आप अकेले 100 बकरी नहीं पाल सकते, आप और 4 लोगों के साथ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लीजिए, सब मिल के 100 बकरी पालिए, और उसके लिए आपको 10 लाख तक सब्सिडी मिल जाएगा। 20 लाख का अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा तो 10 लाख तक आपको सब्सिडी मिल जाएगी इसमें।
बिल्कुल, तो संजीव जी जाना आपने कि किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं। बकरी पालन से जुड़ा हुआ एक सवाल और आया है जो कि ईमेल के जरिए सवाल भेजा है, उन सवाल को भी यहाँ पर आइए कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। गौतम जी ने सवाल भेजा है झारखंड से और ये जानना चाहते हैं कि ये भी बकरी पालन करने के लिए फार्म स्थापित करना चाहते हैं और 10-15 बकरियों के साथ ये शुरू करना चाहते हैं, तो जानना चाहते हैं कि किस तरह से सब्सिडी मिल सकती है, जो कागजात है होते हैं वो कहाँ जमा करने होते हैं, किस तरह के कागजातों की आवश्यकता होती है। जी, जैसे मैंने बताया कि सबसे छोटा यूनिट है 100 बकरी का, ठीक, और कागजात आपको कहीं जाना नहीं है, वो आप www.udyamimitra.com में जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है। कागजात मतलब उसमें आपके जो इन KYC डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके ज़मीन के कागजात कि आप जहाँ फार्म लगाएंगे उतना ज़मीन आपके नाम पे है, या आप बैंक में ऋण लेने के लिए, लोन लेने के लिए आपके जो जो कागजात ज़रूरी होता है ये सब चाहिए। उसमें आपको कुछ और लिख के भी भरना होगा कि आप कैसा फार्म लगाएंगे, उसमें कितने लोग आपका लेबर रहेगा, फिर उसमें आप अपना पैसा कितना लगा रहे हैं, सब्सिडी कितना अमाउंट है, ऋण आप कितना लेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ कागजात की ज़रूरत नहीं है। जी गौतम जी, तो जान लिया आपने, आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया आपको। आगे बढ़ते हैं अब और अगले कॉलर का रुख करते हैं। इस वक्त अजय जी हमारे साथ मुजफ्फरपुर बिहार से जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख करें। अजय जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार मैडम, हम जानना चाहते हैं कि हमारे पास 2 भैंस है अभी, ठीक है, हम चाहते हैं सरकार से कुछ सहायता मिले तो उसको और आगे मैं बढ़ाते, 3-4 भैंस रखते हैं, गाय रखते। जी जी बिल्कुल, तो डॉक्टर देवलेना बताइए किस योजना का लाभ ले सकते हैं। हाँ, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत जो ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है उसमें जैसे देसी नस्ल के गाय है या भैंस है उसके ब्रीडिंग फार्म के लिए आप लगा सकते हैं। अगर आप हिली या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं तो 50 गाय के लिए भी आप ब्रीडिंग फार्म लगाते हैं तो उसके लिए आपको 50 लाख तक सब्सिडी मिल जाएगी, और अगर 200 गाय के लिए लगाते हैं तो आपको 2 करोड़ तक मिल जाएगी। इसमें भी वैसा ही है, अगर आप अकेले नहीं लगा सकते हैं तो और दूसरे किसान भाई के साथ एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए या सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लीजिए और एक साथ मिलके जुट के आप अप्लाई कीजिए। तो एक साथ बस आपका ही नहीं, आपके साथ और भी आपके जो जितने भी भाई बंधु है सबका एक साथ इसमें विकास रहेगा। इसके लिए आपको NDDB के साइट में जाके अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें भी NDDB के तौर से आपका कैसा जमीन है, आप कौन सा क्या पालना चाहते हैं ये सब देखा जाएगा, जाके फील्ड वेरिफिकेशन होगा, आपका जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो बनाने में आपको सहायता मिलेगी। अगर प्रोजेक्ट ठीक है, आपके पास सब कुछ है तो बैंक से ऋण लेने के लिए भी वो आपको हेल्प करेंगे। जब ऋण मिल जाएगी, आप फार्म शुरू कर देंगे तो सब्सिडी आपके पास आ जाएगी आधा, बाकी आधा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद। और गाय है तो वो आप फॉर्डर वाले यूनिट भी लगा सकते हैं NLM में इसी के साथ साथ। जी जी, इससे आपको अतिरिक्त आमदनी भी मिल जाएगी। तो चलिए अजय जी, जान लिया आपने विस्तार से, अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि बहुत सारे सवाल व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आ रहे हैं, अंकुर जी जिन्होंने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से सवाल भेजा था, उनका एक सवाल और था, वो जानना चाहते थे कि जो FMD रोग है उसके क्या कारण होते हैं और इससे पशु को कैसे बचाया जाए, तो डॉक्टर तरुण आप उन्हें क्या सुझाव देंगे। जी, FMD जो मतलब हिंदी में इसको मुंह पका खुर पका भी बोलते हैं, ये एक वायरल बीमारी है, ये वायरस के थ्रू ये फैलती है। इसमें क्या होता है, मुख्य लक्षण जो होते हैं पशुओं के उसमें मुंह में और पैर में छाले पड़ जाते हैं जिस वजह से पशु खा नहीं पाता, चर नहीं पाता और जिस वजह से उसकी आखिर में मृत्यु हो जाती है। और इसमें FMD मुंह पका खुर पका रोग में बच्चों में मृत्यु दर जो है वो ज़्यादा होती है। इसका बचाव यही है कि जो आप अपना फार्म है उसके बाहर आप क्या कहते हैं, आप जो भी एंट्री एग्जिट पे है आप चूना वगैरह बिछा के रखें, और सबसे मुख्य जो इसका जो बचाव है वो वैक्सीनेशन ही है। देखिए, बचाव से ज्यादा इलाज से ज्यादा महत्वपूर्ण बचाव होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उसी पद्धति पे आगे चलते हुए आप सभी पशुपालकों को मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि आप मुंह पका खुर पका रोग का जो वैक्सीनेशन जो साल में 2 बार होता है उसको अवश्य करवाएं, इससे आप मुंह पका खुर पका रोग से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह से पशुपालन से जुड़े हुए अहम विषयों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशु,
बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। आप समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ, पर हम तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं हम भारत सरकार की पशुपालन से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में और इसके साथ ही दुधारू पशुओं के प्रबंधन के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर से जुड़कर, या फिर ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। विष्णु प्रजापति जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विष्णु जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। अच्छा, पशु हीट में नहीं आ रही है, ये समस्या हो रही है, तो डॉक्टर तरुण ऐसे में क्या उपाय किया जाए? देखिए, ये समस्या जो है फील्ड में बहुत ही आम समस्या है, सभी किसान भाई इससे परेशान हैं। हीट में ना आने का बहुत ही अलग अलग कारण हैं। उसके प्रबंधन में सबसे पहले जो कमी आती है जिस वजह से पशु हीट में नहीं आता, वो है पशु पोषण का जो है उपो प्रबंधन। तो उसमें क्या होता है कि पशु मैंने देखा है फील्ड में बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, मिनरल मिक्सचर फीडिंग नहीं करते हैं, उनका जो मिनरल और जो विटामिन का जो बैलेंस है वो नहीं मेंटेन करते हैं, जिस वजह से क्या होता है जो मैक्रो और माइक्रो मिनरल की कमी होती है शरीर में, उस वजह से पशु हीट में नहीं आता है। दूसरी बात, आप उसका अगर उसका मैक्रो मिनरल माइक्रो मिनरल जो बॉडी में जो बैलेंस बनाने के लिए चाहिए होते हैं वो बैलेंस नहीं होंगे, तो उससे क्या होता है हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स शरीर में आनी शुरू हो जाती है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो पशु का जो टाइम से हीट में आना है, टाइम से कब आना है, वो इरेगुलर हो जाता है। तो मैं पशुपालक भाइयों को यही कहूँगा कि भाई प्रॉपर उसका जो है पशु पोषण प्रबंधन करें, उसको मिनरल मिक्सचर टाइम टू टाइम खिलाएं, और साथ साथ उसकी डिवर्मिंग प्रॉपरली करें ताकि पशुओं के शरीर में जो कमी है वो पूरी रहे, कमी ना हो, और पशु टाइम से हीट में आ सके। जी जी, तो विष्णु जी मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और कुछ और सवालों को लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी कई सवाल लगातार हम तक पहुँच रहे हैं। नित्यंदु जी ने सवाल भेजा है और वो जानना चाहते हैं कि पशुधन के लिए सरकार की योजना का किस तरह से लाभ ले और किस तरह से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर देवलीना, जैसे ऋण के लिए आपको बैंक से ऋण लेना है, जो EDP के प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका एप्लीकेशन पहले जाएगा आपके राज्य सरकार के पास, वो देखेंगे कि आपका DPR वगैरह सही है या नहीं, जाके फील्ड में भी चेक करेंगे, और वो सारा सब कुछ ठीक पाए तो वो उसको ऑनलाइन ही आगे कर देंगे। किसके पास आगे करेंगे? बैंक के पास। जो बैंक और जो ब्रांच आपने अप्लाई करने के टाइम चूज किया है जी, है ना, चयन किया है, तो उनके पास चला जाएगा। तो बैंक वाले भी आपके पेपर देखेंगे, वहाँ जमीन के कागजात, DPR, और एक चीज़ था ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी इसमें चाहिए होता है, तो ये सब देखेंगे, और उनको लगता है कि आपको वो ऋण दे सकते हैं तो वो उसको अप्रूव करके अपना लोन सैंक्शन लेटर अपलोड करके उसको आगे भेज देंगे, तो फिर ये चला जाएगा, फिर स्टेट के थ्रू वो चला आएगा भारत सरकार के पास, वो भी सारा कागजात ठीक है तो उसको अप्रूव कर देंगे और आपके पास
जो फर्स्ट सब्सिडी के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आधा प्रतिशत, अगर 50 लाख का आपका सब्सिडी बन रहा है तो 25 लाख आपके खाते में चले जाएंगे जी, और बाकी जो आधा है वो आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जाएगी। ठीक है, तो नितेंद्र जी आपने जान लिया कि किस तरह से पशुपालन के लिए आप ऋण के लिए आवेदन दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल व्हाट्सएप के जरिए भेजा है विजेंद्र जी ने मध्य प्रदेश, वो जानना चाहते हैं कि अच्छा दूध उत्पादन के लिए घरेलू दाना किस तरह से तैयार करें जी। तो डॉक्टर तरुण बताएं जी। देखिए हमारे कॉलर ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है कि दाना कैसे बनाएं। दाना बनाने के लिए क्यों चार चीज़ें जो घटक हैं उसके वो बहुत जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक है जो ऊर्जा का स्रोत जिसमें डालेंगे, दूसरा जो है उसमें प्रोटीन का सोर्स जो डालेंगे, तीसरा जो हो गया अपना मिनरल मिक्सचर, और चौथा सॉल्ट हो गया। तो इसका किस प्रोपोर्शन में हमें डालना है मैं बता देता हूँ आपको। 35-40% उसमें ऊर्जा के स्रोत डालने हैं, एनर्जी के सोर्स डालने हैं, जैसे कि मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो डालनी हैं। दूसरी बात प्रोटीन के सोर्स, जैसे खली, जो खली बोलते हैं, तो खली के हमें सोर्स डालने हैं क्या कहते हैं 30-35% तक। तो 30-35% खली उसमें हम आप मूंगफली की खली, सरसों की खली और कॉटन सीड की खली वो ले सकते हैं, जो जिस जैसा एरिया है, जैसे अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से हम खली को चेंज कर सकते हैं। और मेन बात यह कि सिर्फ एक खली यूज़ ना करें, उसको मिक्सर दो तीन खलियों को मिक्स करके अगर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरा जो घटक आता है वो एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स है, जैसे कि जिसमें प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा होता है एनर्जी सोर्स वाले से, लेकिन क्या कहते हैं फाइबर उसमें डाइजेस्टिव फाइबर जो होता है वो ज़्यादा होता है, जैसे कि अपना चोकर हो गया, गेहूँ चोकर हो गया, तो इस टाइप की चीज़ें। तो ये हमें डालना है 20-25% उस दाने के अंदर। उसके बाद हमें जो सबसे महत्वपूर्ण है मिनरल मिक्सचर, वो 2% डालना है और 1% उसमें सॉल्ट डालना है। और अगर जो एरिया है, जैसे अभी बरसाती सीजन चला हुआ है और आगे मान लो और कोई ऐसा एरिया जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर कंडीशन होते हैं, जो गीले एरिया हैं, उसमें मैं साथ ही साथ बोलूँगा पशुपालक भाइयों को कि टॉक्सिन बाइंडर जरूर डालें, क्योंकि फंगल ग्रोथ की वजह से पशुओं में एफ्लाटॉक्सिकोसिस हो सकता है। तो वो जो टॉक्सिन बाइंडर डालना है वो आपको 1 किलो 1 टन दाने के हिसाब से आपको डालना है जी। बिल्कुल, तो विजेंद्र जी जाना आपने कि किस तरह से घर पर ही आप पशुओं के लिए दाना तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अखिलेश कुमार जी सीतापुर उत्तर प्रदेश से, तो आइए उनका रुख करें। अखिलेश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल जी। नमस्कार जी। नमस्कार अखिलेश जी, बताएं। मेरा सवाल यह है कि मेरी अच्छा बिल्कुल, आइए जानते हैं डॉक्टर तरुण क्या निदान है, क्या उपाय है जी। मैं अखिलेश जी को ये सलाह देना चाहूंगा, जैसा कि अखिलेश जी ने बताया कि भाई थनेला से ग्रस्त हुआ था पशु और अभी उस पे से दूध कम निकल रहा है, तो मैं अखिलेश जी को बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि अभी भी थनेला का जो इन्फेक्शन जो हुआ था वो अभी भी उसमें हो। आप एक बार अब किसी पशु चिकित्सक की सलाह लेकर का आप ये देखिए कि अंदर कोई गांठ वगैरह तो नहीं बनी हुई है, और वहाँ का जो दूध निकल रहा है उसका लेके एक टेस्ट होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट टेस्ट होता है, वो भी आप करा सकते हैं, कल्चर टेस्ट जिसे बोलते हैं वो करा सकते हैं, उससे पता लग जाएगा कि इन्फेक्शन है कि नहीं है, और है तो किस एंटीबायोटिक से वो ठीक हो सकता है। वो टेस्ट रिपोर्ट लेके किसी नज़दीकी पशु चिकित्सालय से में जा करके आप वो रिपोर्ट ले जा करके आप वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर करवा सकते हैं जी। जी बिल्कुल, तो अखिलेश जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है और उम्मीद है कि इस सुझाव पर आप अमल भी करेंगे और नज़दीकी पशु चिकित्सक से आप जल्द से जल्द संपर्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को यहाँ पर लेते हैं और व्हाट्सएप नंबर पर भी लगातार सवाल आ रहे हैं, दो सवालों को यहाँ पर एक साथ ले लेते हैं चूंकि लगभग एक जैसे ही सवाल है। विजेंद्र जी मध्य प्रदेश से सवाल पूछते हैं कि गाय पालन के लिए सब्सिडी स्कीम कौन सी है, और इसके साथ ही पंकज खड़े जी का सवाल है कि वो 200 गिर गाय के साथ डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे में वो क्या करें, तो डॉक्टर देवलीना बताएं। हाँ, इसके लिए आप NDDB के साइट पे जाइए और ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म के सुविधा लेने के लिए, लाभ लेने के लिए अप्लाई करें, और उसमें फॉर्म होगा, फॉर्म में आप अपना, इसके ये फिजिकल फॉर्म है, इसमें आप अपने सारे डिटेल्स डालें और अपने
फार्म के जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करें, एक अच्छा सा DPR बनाए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, उसमें बाड़े के लिए कितने जगह चाहिए, कितना खर्चा होगा, 200 गिर खरीदने के लिए आपका कितना खर्चा होगा, मिल्किंग मशीन चाहिए, साइलेज मेकिंग मशीन चाहिए, इतने जो 200 एनिमल है या जितने भी एनिमल है उनके खाने के लिए जो भी फीडर है, ड्रिंकर है, उसका खर्चा, उनके इंश्योरेंस कॉस्ट, उनको कहीं खरीद के आप ले आएंगे उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सारे खर्चा उसमें डालिए। प्रोजेक्ट का एक दूसरा पार्ट होगा जो आपके वर्किंग कैपिटल होगा, मतलब फार्म चलाने के लिए आपका कितना खर्चा चाहिए, वो सारा डल के बनाएं, टोटल ले, उसमें कितना आपका योगदान रहेगा अपने आप से, मार्जिन मनी जिसको कहते हैं, कितना आप बैंक से ऋण लेंगे और कितना आपको सब्सिडी मिल सकता है। सब्सिडी आपको जो आपका कैपिटल कॉस्ट का पोर्शन हो गया उसका 50% मिल सकता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ हो सकता है, जो काफ़ी अच्छा रकम है फार्म लगाने के लिए। तो ये सारा बना के DPR के साथ और आपके पेपर के साथ NDDB ऑफिस में जमा करें, उसमें अगर थोड़ी सी भी कमी है वो आपका हैंड होल्डिंग करेगा, आपका हेल्प करेगा, फिर आपका एप्लीकेशन बैंक में ले जाएंगे, बैंक अगर उसको ऋण दे देता है तो आप सब्सिडी लेने के लिए एलिजिबल है जी। और बस आप ही नहीं, कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के भी आप लोगों को उत्साहित कर सकते हैं जी। बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। अमनेश जी पश्चिम बंगाल से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ मैम, मेरी गाय है, अभी वो 4-5 दिन बच्चा दिया है, तो बाद में एक गांठ बन गई है। अच्छा, और वो दूर नहीं निकल रहा है, इसके वजह से मैंने साइफन पाइप के द्वारा दूध निकाला जा रहा है जी 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 ठीक है। और उसके वजह से थोड़ा अपना ब्रीडिंग भी हल्का मामूली हुआ है, और बगल बगल से थोड़ा छाती में सूजन आ गया है। अच्छा जी, डॉक्टर तरुण तो बता। हमारे यहाँ लोकल जो प्रैक्टिशनर हम लोग को दिखाए, कोई रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा ठीक, डॉक्टर तरुण क्या सुझाव देंगे आप जी? जैसा कि पिछले कॉलर ने भी यही सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा था, तो मैं कॉलर को यही बोलना चाहूँगा कि आप जैसे बता रहे हैं कि ठंड में गांठ हो गई है, तो मैं ये कहूँगा कि आप इस जो ठंड से निकलने वाला जो दूध है उसको लेकर के एक कल्चर टेस्ट करा लें। कल्चर टेस्ट करा, हो सकता है कि अभी भी इसमें इन्फेक्शन हो। दूसरा, गांठ गलाने की दवाइयाँ भी आती जैसे सेरोडोपेप्टाइडेस, वो आप किसी नज़दीकी किसी पशु चिकित्सक से आप कंसल्ट करेंगे तो आपको बताएंगे तो वो आप टैबलेट दें, साथ साथ एंटीबायोटिक दें, जो कल्चरल सेंसिटिव टेस्ट के थ्रू आपको पता लगेगा वो वाली एंटीबायोटिक, साथ में आप सेरोडोपेप्टाइडेस के जो बोलस आते हैं जो गांठ गलाने का काम करेंगे वो आप दे सकते हैं। और इस साथ साथ इसके जो थनों का जो साफ़ सफाई का जो मैनेजमेंट है वो भी आपको अच्छे से करना है। जैसे कि आप एक थन से दूध निकाल रहे हैं तो जिस हाथ से निकाला है उस हाथ से आप दूसरे थनों का दूध ना निकालें, नहीं तो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जिस थन से सही दूध आ रहा है, साफ़ दूध आ रहा है, उस थन से आप पहले दूध निकाल लें, फिर उसके बाद जिस दूध से, जिस थन से जो गांठ है, जिसमें इन्फेक्शन है, जो दूध कम आ रहा है, उसको सबसे आखिरी में उसका दूध खाली करें। हाँ, उसका दूध समय समय पर खाली करते रहें, क्योंकि अगर दूध अंदर थन में रह गया तो इन्फेक्शन अंदर तक पहुंच सकता है। तो ये भी मैं एक सलाह में पशु जो पालक है उसको मैं देना चाहूँगा जी। तो अनिमेश जी, जाना आपने कि क्या उपाय कर सकते हैं, किस तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आइए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर देवलीना आपसे जानना चाहेंगे कि पशुपालकों के लिए खास तौर पर पशुपालक जो पशुपालन अवसंरचना कोष है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसे शुरू किया गया, इसका पशुपालकों को क्या लाभ है, उसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है स्कीम का नाम, इसमें अगर कोई भी पशुपालक कुछ भी लाइक पोल्ट्री मीट प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता है या मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट कोई लगा रहा है, आइसक्रीम बना रहे हैं, मिल्क पाउडर बना रहे हैं या गोबर से कुछ बना रहे हैं, अच्छा, ऐसे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड अगर बन रहा है कोई भी, उसमें आपको बैंक से ऋण लेना पड़ता है, उस ऋण के 3% इंटरेस्ट गवर्नमेंट दे देगा। अच्छा, ये बेनिफिट आपको इसमें मिल सकता है। और एक बहुत अच्छी बात है कि इसका कोई हायर लिमिट नहीं है, आप जितना ऋण लेंगे उसके जो भी 3% ब्याज बन रहा है वो गवर्नमेंट दे देगा, कितने करोड़ भी वो हो। और इसके लिए भी एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही डालना पड़ेगा जी। जी बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालों को यहाँ पर शामिल करते हैं। और एक सवाल भेजा है जयेश चीनी रेवाड़ी से, ये जानना चाहते हैं कि इनके पास भैंस है जो पानी नहीं पी रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है और मैं क्या करूँ? डॉक्टर तरुण, क्या वजह हो सकती है जी? देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है कि पशु पानी नहीं पी रहा है। देखो,
पहला सबसे बड़ा पहला कारण क्या है कि जो अभी बदलता हुआ मौसम जो है, जैसे अभी पहले बहुत गर्मी थी, बहुत धूप थी, अब अचानक से अभी बारिश हुई है, तो मौसम के बदलाव की वजह से क्या है, पशु के जो एक्टिविटी होती है वो उसमें चेंज आता है, खाने पान में भी उसमें थोड़ा चेंज आता है, खाना कम कर देता है, पीना कम कर देता है। तो एक बात तो मैं पशुपालक को ये देखना कहना चाहूँगा कि आप पशु को देखें, ऑब्जर्व करें कि उसमें कोई और चेंजेस तो नहीं आए, जैसे कि मान लो खाना कम कर दिया, पानी पीना तो बता ही रहे हैं, क्या और कोई चेंजेस तो नहीं आए, कि मतलब कहीं पशु बीमार होने की शुरुआती स्टेज में ना हो। दूसरी बात, पानी पीना, अगर पशु का पानी पीना बढ़ाना है तो उसकी खोर में आप नमक रखना शुरू करें। जितना पशु नमक को चाटेगा उससे क्या होता है कि ब्रेन को सिग्नल जाता है पशु के कि भाई हमारे शरीर में नमक आ गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए, तो वो ऑस्मोरेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए पशु के ब्रेन में सिग्नल जाता है ताकि वो पानी पीने के लिए उसकी इच्छा जागृत हो। जैसे वो नमक चाटेगा वैसे उसकी प्यास लगेगी, उसको पानी पीने की इच्छा जागृत होगी और वो पानी पीना शुरू कर देगा। जी बिल्कुल। तो जयश्री जाना आपने कि किस तरह से उपाय कर सकते हैं जिससे कि ये जो समस्या है भैंस के पानी न पीने की, ये दूर हो सकती है। इसी तरह से पशुपालन से जुड़े हुए विषयों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुँचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। हुँ? अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म? हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आइए अब सीधे हमारे कॉलर का रुख करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीतापुर उत्तर प्रदेश से नवीन मिश्रा जी। नवीन जी स्वागत है आपका। जी माफ कीजिएगा, लवी मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवी जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो। हेलो जी लवी मिश्रा जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? जी ठीक है, आइए जानते हैं थनैला रोग से पीड़ित है पशु। जी जी और उसमें खून भी नहीं निकलता है। ठीक है डॉक्टर तरुण, बताएं एक बार फिर से थनैला रोग से जुड़ा हुआ सवाल आया है। जी देखिए बहुत ही आम समस्या हो चुकी है पशुपालकों के लिए, जैसा कि हमने देखे कि हम 2-3 कॉलर्स ने सेम सवाल पूछे हैं। जी जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस थनैला रोग के ऊपर कि भाई इस थनैला रोग से इलाज, इसका इलाज बहुत महंगा है लेकिन इसका बचाव बहुत ही आसान है। तो अगर पशुओं को थनैला रोग से जो बचाव करना है इसका, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि पशु का दूध निकालने से पहले उसके थनों को लाल दवाई के पानी से उसको धोना है और साफ तौलिए से उसको पोंछना है। उसके बाद उसका दूध निकालना है, दूध निकालने के बाद पशु को फिर
उसके जो पशु के जो थन है उसको लाल दबा के पानी से उसको दोबारा से धोना है और साफ तौलिए से उसको पोंछ देना है। और ध्यान रहे, दूध निकालने के कम आधे घंटे तक पशु को बैठने नहीं देना है। उसके लिए क्या है कि आप उसके आगे दाना डाल सकते हैं, पशु के आगे, या कोई हरा चारा डाल सकते हैं ताकि वो आधे घंटे तक उस दाने में खाने में लगा रहे और वो खड़ा रहे। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम दूध निकालते हैं तो थन के जो छेद होते हैं वो खुले रह जाते हैं, तो उसको बंद होने में कम से कम 10-15 मिनट का टाइम लगता है। अगर इसी बीच में पशु अगर नीचे बैठ जाता है तो उसमें थनैला रोग होने की समस्या, इन्फेक्शन अंदर जाता है। तो अब जैसे कॉलर बोल रहे कि भी इनके दूध नहीं आ रहा, तो जैसा मैंने पहले भी जवाब दिया कि आप वो दूध का कल्चर टेस्ट करा के प्रॉपर एक पशु चिकित्सक की सलाह से एक प्रॉपर एंटीबायोटिक लेकर के उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू कराएं। ठीक है, बिल्कुल। तो जैसे कि अभी सवाल आया था थनैला रोग का, ऐसे ही कुछ और आम बीमारियां हैं पशुओं में, खुरपका, मुंहपका, ब्रुसेलोसिस जैसे, तो डॉक्टर देवलेन आपसे जानना चाहेंगे कि इसके लिए टीकाकरण की बहुत ही बड़े स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसके बारे में आप पशुपालकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे, किस तरह से इसका लाभ लें? जैसे भारत अभी पोलियो से मुक्त है, उसलिए पोलियो टीकाकरण कर्मसूची लगाया था भारत सरकार ने, वैसे ही खुरपका मुंहपका रोग को भारत से बिल्कुल निर्मूल करने के लिए भारत सरकार योजना लगा रही है। इसमें सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको जितने भी उनके पास गाय भैंस है उतने संख्यक वैक्सीन भेजा जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट के जो वेटनरी डॉक्टर्स है, वैक्सीनेटर्स है, जो हमारे पशु मित्रा, प्राणी मित्रा, भाई बहन है, वो सारे सर के सबके घर घर जाके ये वैक्सीन लगा रहे हैं, टीकाकरण लगा रहे हैं। तो ये टीकाकरण कर्मसूची में अब उससे भाग लें, जब ये साल में दो बार लगाना है 6 महीने के अंतर में। और वैसे ब्रुसेलोसिस का जो टीकाकरण चल रहा है वो कोई भी 4 महीने से बड़े जो बच्चिया है ना, उनको ये वैक्सीन लगता है ब्रुसेलोसिस का, वो लाइफ में एक बार ही लगना है जीवन में, इसका भी ले। वैसे ही जो छोटे पशु है उनके लिए पीपीआर का टीकाकरण चल रहा है, उसमें साल में एक बार लगाना है। जो शुक्र है उसके लिए क्लासिकल स्वाइन फीवर के टीकाकरण कर्मसूची चल रहा है। तो ये सारे जो टीकाकरण सरकार की तरफ से चल रहा है उसमें आपको अनुरोध है कि आप उसमें अवश्य भाग ले, अपना जो प्रतिवेशी है उनको भी समय पर टीकाकरण अवश्य करवाए। बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कृपया अपना नाम बताएं। हेलो जी, जी अपना नाम बताएं और क्या सवाल है आपका? मैं सवाल ये है कि मेरी गाय है, दूध देती है, दो दिन से एक थन में दूध नहीं निकल रहा। अच्छा, ठीक है, तो डॉक्टर तरुण इसकी क्या वजह हो सकती है? देखो, ये हो सकता है कि वही थनैला रोग की बीमारी की शुरुआत हो। जी जी जी, तो थनैला रोग की बीमारी का शुरुआत है। देखो, बहुत ही आम समस्या हो चुकी है आज के टाइम में, हर दूसरा तीसरा कॉलर यही थनैला रोग के बारे में पूछ रहा है। तो मैं तो पशुपालक भाइयों को दोबारा ये सलाह देना चाहूंगा कि इसके बचाव पर ध्यान दें। जैसा कि मैंने अभी बताया कि लाल दवा के पानी से साफ करके अच्छे से, और उसको पशुओं को आधे घंटे तक दूध निकालने के बाद खड़ा रखें ताकि इन्फेक्शन अंदर जा ही ना पाए। तो इस हिसाब से मैनेजमेंट करें पशुओं का ताकि इन्फेक्शन ना और थनैला रोग से पशु बचा रहे। तो छोटू शुक्ला जी, मुझे उम्मीद है कि सुझाव पर आप जरूर अमल करेंगे और उपचार के जगह पर बचाव पर ज्यादा ध्यान देंगे, जैसे कि लगातार हमारे विशेषज्ञ सुझाव दे रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर जल्दी से ले लेते हैं, कुशल पाल जी ने हरियाणा से सवाल भेजा है और इनका कहना है कि इनकी जो भैंस है वो बार बार हीट में आ रही है, तो इनका सवाल ये है कि क्या सेडर लगवाने से वो जो गर्भ है वो ठहर पाएगा? जी डॉक्टर तर, जी देखिए, बार बार हीट में आ रही है, रिपीट ब्रीडर हो रही है, तो उसमें पहले आपको किसी क्वालिफाइड वेटनेरियन को कंसल्ट करके आप उसकी ओवरीज, जो उसके अंडकोश हैं, उसको जो ओवरीज हैं उसके, उसको चेक करवाओ कि उसमें कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है, उससे चेक करा के फिर उसके अकॉर्डिंग ही हार्मोनल आप ट्रीटमेंट लें। बिना किसी वेटनेरियन के सलाह के कोई हार्मोन ट्रीटमेंट आप ना दें, मैं यही सलाह दूंगा। उससे क्या पशु के शरीर पर नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं, दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो आप पहले एक बार किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से जा करके कंसल्ट करके उसकी ओवरीज को टेस्ट कराएं कि उसमें कोई सिस्ट वगैरह तो, या उसके किसी जो बच्चेदानी में कोई और समस्या तो नहीं है, उसके बाद जाके कि आप हार्मोन ट्रीटमेंट किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से ही लें, आप अपने आप कुछ मत करें। जी, तो उम्मीद है कुशल पाल जी इस सुझाव पर आप अमल करेंगे। डॉक्टर देवलेना, जाते जाते संक्षेप में आप पशुपालकों से कुछ कहना चाहेंगी? बहुत तरह की योजनाएं चलाई जा रही है पशुपालकों की, कई तरह की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सभी भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है, स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम और ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म के स्कीम का लाभ उठाए और पशुपालक से एक उद्यमी बन जाए। बिल्कुल,
जी डॉक्टर देवलीना और डॉक्टर तरुण, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारियां हमें आज के इस कार्यक्रम में दी. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. हमें उम्मीद है पशुपालकों को बहुत लाभ होगा इन जानकारियों से. तो पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां आज के इस कार्यक्रम में आपको मिली है. हमें उम्मीद है कि इसका लाभ आप ज़रूर उठाएंगे और साथ ही जैसे कि टीकाकरण के कार्यक्रम हो या अन्य जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं इनसे आप ज़रूर जुड़ेंगे. आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कल के विषय के बारे में. हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों पर चर्चा की जाएगी वो हैं खरीफ फसलों में बीजों की उपलब्धता एवं सावधानियां. इसके साथ ही बातचीत होगी कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार के विषय पर. इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप हमें भेज सकते हैं. हमें आप ईमेल कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com. सवाल के साथ साथ नाम और स्थान भी जरूर लिखें. सोशल मीडिया के भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जरिए भी आप लगातार हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं. फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं. इनसे जुड़कर कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपना सवाल भी भेज सकते हैं. इसके साथ ही दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं. हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1130-60. सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं. इसके साथ ही आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं. इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें. इसके साथ ही आप जुड़ जाएंगे हमारे YouTube चैनल से, जहां पर सारे एपिसोड्स आपको हेलो किसान के मिल जाएंगे और विषय से जुड़ी हुई जानकारी आप वहां से हासिल कर सकते हैं. इसके साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही. फिर हाजिर होंगे लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर. नमस्कार.